सूबे च ईडी दी रेड दे मामले ते लगातार सियासत सरगर्म नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टियां एक दूजे ते निशाने साध रही ने। कैबिनेट मंत्री अते कांग्रेसी उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भाजपा दे तिखा निशाना साधिया है, जिथे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे राही उन्हां दा कहना है कि मुख्यमंत्री चन्नी नूं दलित भाईचारे दा होण करके उन्हां नूं किवें बदनाम किया जावे, भाजपा नवे पैंतड़े अपना रही है। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री दी फिरोजपुर रैली रद्द होण मगरों डॉक्टर राजकुमार वेरका दा कहना है कि रैली दे विच 70,000 लगाईयां गईयां कुर्सियां ते 700 बंदा भी नहीं पहुंचिया। लोक बाखूबी जानदे ने कि भाजपा दे सहयोगी कैप्टन अमरिंदर सिंह भी फेल हो चुके ने, पर कांग्रेस पार्टी इन्हां दीयां रेडां तो दबण वाली नहीं है ते डट के उन्हां दा मुकाबला करेगी। पहली गल है कि इह केजरीवाल साहब भी पुछदे है कि कांग्रेस दा लाड़ा केड़ा। अज सुखबीर बादल ही पूछी जांदा कि कांग्रेस का लाड़ा केड़ा, ते मैं देख रहा कि आ बीजेपी का भी एक लीडर पूछी जांदा कांग्रेस का लाड़ा केड़ा। मैं एक गल कहना चाहां भी कांग्रेस दे लाड़ियां की कमी नहीं, जिन्हों जिन्हों जड़ा जड़ा लाड़ा पसंद है भेजांगे उहदे घर, चिंता ना करो भाई सज्जनो। कांग्रेस दे विच बहुत लाड़े है, इलैक्शन हो लैंदे हो जिहड़ा चंगा लगे वह लाड़ा भेज देंगे, उहदे च इत्थे लाड़िया की कमी भाई, उन्हां दे कोल लाड़िया की कमी है। आ साडा 80 साल का लाड़ा लै गए बीजेपी वाले, वह लभंडे ते साडे कोल ते हर उम्र का लाड़ा ते हर कद काड का लाड़ा भाई, ते कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी तरह की लाड़िया की कमी नहीं, इसलिए भुलेखा ना कढ देना चाहिए। और दूसरी गल, तुसी सवाल किया कि जिहड़ा कैश मिलिया वो तुसी की कहना चाहते, मैं सीधे तौर के उपर यह गल कहना चाहना कि बहुत सारे इंडस्ट्री के उपर, बहुत सारे व्यापारियों के उपर, बहुत सारे उद्योगपतियों के उपर इनकम टैक्स के रेट होंगे है, बहुत सारे लोगों को कैश फड़िया जाता है। वह बंदियां दी जिम्मेवारी ड्यूटी है भी वह शो करने कैश किदा ते कित्थों आया, यह कार्रवाई इनकुआरी का मामला है, कर्ज लैणा कानून देश के विच सबलिक हैगा, लेकिन इस नूं क्रिटिकलाइज करना, इस नूं जोड़ के कहना। मैं हुणे गल अलका जी ने तुहाडे सामने आ बीजेपी और आम आदमी पार्टी दे एक एक कारकुना दे वास्ते एक डिटेलां सारियां दित्तियां भी एक एक बंदे दे कोल करोड़ां नहीं बल्कि एक बंदे को 130 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी दे लोगों को फड़िया जा रहा है, ते उत्ते केजरीवाल की जुबान क्यों खामोश है, उहदे दे पेड़ ते मरोड़ क्यों लगे पे, उहदे ते तकलीफ क्यों नहीं हो रही। लेकिन मैं इसलिए कह रहा कि भाई कानून अपना काम करे, असी कानून दे हक चां, लेकिन यह कहना कि इहदे वास्ते कोई कांग्रेस का हथ है, मुख्यमंत्री का हथ है, यह बिल्कुल झूठ है। धन्यवाद। मैं करण कपूर जी, ANI न्यूज अपना सवाल कीजिए। करण कपूर जी, देखिए मुझे क्या लगता है कि बीजेपी वाले सरकार हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पंजाब है, ये पंजाब है, यहां पे आप मुझे टारगेट कर सकते हो, पूरे समाज को टारगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं एक बात सीधा कह देना चाहता हूं, एक बीज को जब नाश करोगे वो धरती में जब जाएगा वो पेड़ बन करके उभरेगा, लेकिन एक दलित नु खत्म कीत्या ये दलित खत्म नहीं होने, ये जिन्ना मर्जी कोशिश कर लें दलित ये पेड़ बन के उगन गए जिन्ना मर्जी एफर्ट कर। अमन जी स्पोक्समैन न्यूज़पेपर अपना सवाल कीजिए। ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਦਲਿਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਆਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਵੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ।